मैक्सिमम लोग जो सोनी X70G TV को यूज कर रहे हैं उनके साथ अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कोई भी एक्सटर्नल गैजेट या डिवाइस वो कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, तो वो डिटेक्ट नहीं करता है, माउंट नहीं करता है, और उसके अंदर जो कंटेंट है बाई चांस माउंट कर दे तो उसे प्ले नहीं करता है। मैक्सिमम लोगों ने ये इशू रिपोर्ट किया है, जहाँ पे वो वेस्टर्न डिजिटल का हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, अगर कनेक्ट हो जा रहा है तो उसके अंदर जो 4K कंटेंट है उसको प्ले कर रहे हैं तो वो प्ले नहीं हो रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसा इशू है इस टीवी में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है? दोस्तों, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आपको पेन ड्राइव से लेके हार्ड डिस्क तक कनेक्ट करके दिखाया था। मेरे पास टोशिबा का 1 TB का हार्ड डिस्क था जो मैंने कनेक्ट किया था। आज मेरे पास दो हार्ड डिस्क है, एक तो वेस्टर्न डिजिटल का है 2 TB जो बिल्कुल ही नया है, उसको अभी तक मैंने टच नहीं किया है, और एक मेरे पास टोशिबा का है। तो हम दोनों को इस सोनी टीवी के ऊपर कनेक्ट करेंगे एक साथ में और चेक करेंगे कि वाकई में हमारा ये दोनों स्टोरेज कनेक्ट होता है कि नहीं। पहले मैं आपको ये कनेक्ट करके दिखा चुका हूँ, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और ये मेरा वेस्टर्न डिजिटल का जो है ये नया हार्ड डिस्क है जो अभी मैंने परचेज किया है, आई थिंक सो ये 2 TB का है। तो ये 2 TB का हार्ड डिस्क हम कनेक्ट करेंगे, एक को मैं अमेजन बेसिक का जो मेल टू फीमेल USB केबल है मैं उसके साथ एक को कनेक्ट करूंगा और एक को डायरेक्ट टीवी में कनेक्ट करूंगा USB पोर्ट पे। तो चलिए वन बाय वन करके नहीं, दोनों को एक साथ हम माउंट करके चेक करेंगे, फिर हम इसके अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है 4K रॉ भी है मेरे पास जो मैंने खुद शूट किया है और ऐसे डाउनलोडेड भी है, फिर उसको प्ले करके चेक करेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड कि वो सही तरीके से काम कर रहा है इस टीवी के ऊपर कि नहीं। दोस्तों, अभी इस टीवी के साथ मेरा 64 GB का पेन ड्राइव कनेक्ट है, तो चलिए उसे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वो कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ से हम वीडियोस में गए और यहाँ देखिए सैंडिस्क का जो है पेन ड्राइव 64 GB का कनेक्ट है। अगर मैं टीवी को बंद करूँगा और फिर से इसे ऑन करूँगा तो डायरेक्टली जो एक्सटर्नल डिवाइस है इसके साथ लगा हुआ उसके ऊपर मुझे लेकर के जाएगा। तो ये देखिए, ये सारे कंटेंट जो है मेरे पेन ड्राइव के हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि अगर मेरा कोई 4K कंटेंट इसके अंदर रखा हुआ है तो उसे प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों, पहले इसमें 4K कंटेंट था लेकिन अभी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरा पेन ड्राइव जो है वो अमेजन बेसिक के केबल को यूज़ करके टीवी के साथ कंटिन्यूसली कनेक्ट रहता है, कभी मैं उसे निकालता नहीं, तो एज इट इज़ आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं और इन दोनों हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली टीवी के साथ और एक को अमेजन बेसिक के केबल के साथ एक साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अभी इस टीवी के साथ मेरा सैंडिस्क का पेन ड्राइव कनेक्टेड है, तो ये देखिए सैंडिस्क का पेन ड्राइव अमेजन बेसिक का केबल को यूज़ करके मैंने कनेक्ट कर रखा है। चलिए इस पेन ड्राइव को निकाल देते हैं और इसके साथ हम अपना एक हार्ड डिस्क लगाएंगे और एक हार्ड डिस्क इस टीवी के साथ डायरेक्टली हम लगाएंगे, USB पोर्ट हम कोई भी यूज़ करेंगे। वेस्टर्न डिजिटल का केबल थोड़ा छोटा है तो मैं इस टोशिबा हार्ड डिस्क जो कि 1 TB का है डायरेक्टली इस टीवी के साथ कनेक्ट करूंगा और वेस्टर्न डिजिटल को USB एक्सटेंशन केबल यूज़ करके कनेक्ट करूंगा, पोर्ट हम कोई भी यूज़ करेंगे। तो चलिए करते हैं इसे कनेक्ट। सो फाइनली दोस्तों, मैंने टोशिबा के केबल को इस टीवी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, अब हम इस हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है, अब देखिए लाइट आ गया, अब देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आ गया और हार्ड डिस्क का इंटरफेस जो है वो टीवी पे खुल गया, यानी हार्ड डिस्क जो मैंने कनेक्ट किया हार्ड डिस्क के स्टोरेज पे ऑटोमेटिकली टीवी ने स्विच कर दिया। तो चलिए इसको एक साइड रख देते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे ये हिले ना, ये देखिए अभी ये हिल गया है तो अभी डिसकनेक्टेड बता रहा है। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि दोनों हार्ड डिस्क मेरा कनेक्टेड है, वेस्टर्न डिजिटल का और टोशिबा का। टोशिबा का देखिए यहां पे लाइट जल रहा है और वेस्टर्न डिजिटल के हार्ड डिस्क का लाइट यहां पे ऊपर में दिया गया है। दोनों हार्ड डिस्क कनेक्टेड है करेंटली मेरे सोनी X70G TV के साथ। ये देखिए, एक जो है ये अमेजन बेसिक का एक्सटेंशन केबल यूज़ करके कनेक्ट हुआ है और एक को मैंने जो है डायरेक्टली टीवी से कनेक्ट कर रखा है।
फाइनली हम टीवी के ऊपर आ गए हैं, तो चलिए अब चल के देखते हैं कि हमारा स्टोरेज डिवाइस सब माउंट हुआ है कि नहीं इस टीवी के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे हमें दो मीडिया दिखा रहा है, एक माई पासपोर्ट दिखा रहा है जो कि मेरा वेस्टर्न डिजिटल का 2 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है, और दूसरा दिखा रहा है जो कि मेरा टोशिबा का 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है। अभी ये दोनों हार्ड डिस्क इस टीवी पे कनेक्टेड है और माउंटेड है। टोशिबे के हार्ड डिस्क में जो है ऑलरेडी डाटा रखा हुआ है, तो चलिए अब उसे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे डाटा हैं दोस्तों। टोशिबा के हार्ड डिस्क में मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन मुझे 4K वीडियो नहीं मिल रहा है, तो मैं 4K वीडियो इसके अंदर डाल के फिर से कनेक्ट करके आपको प्ले करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा जो मीडिया माई पासपोर्ट जो कि हमारा वेस्टर्न डिजिटल का 2 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है उसमें क्या शो कर रहा है। इसमें कुछ भी नहीं शो कर रहा है, वेस्टर्न डिजिटल सॉफ्टवेयर ऑफलाइन इंस्टॉलर शो कर रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाल रखा, ये बिल्कुल खाली है। तो चलिए हम दोनों को एक बार डिसकनेक्ट करके इसके अंदर 4K वीडियो को डाउनलोड करके डालते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा 4K वीडियो प्ले होता है कि नहीं, फॉरवर्ड बैकवर्ड सही तरीके से होता है कि नहीं। यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा कि मेरे टीवी के ऊपर जो भी मैं एक्सटर्नल मीडिया कनेक्ट कर रहा हूँ, चाहे वो हार्ड डिस्क हो चाहे पेन ड्राइव हो, जितना भी कर रहा हूँ सबको वो कनेक्ट कर रहा है, माउंट कर रहा है और सही तरीके से दिखा रहा है, ओपन कर रहा है। दोस्तों मैंने दोनों ही हार्ड डिस्क में जो कि एक 1 टेराबाइट का है और दूसरा 2 टेराबाइट का है, दोनों ही में 4K वीडियो डाल दिए हैं और ये 4K वीडियो मैंने खुद ही रेंडर किए हुए हैं, खुद ही बनाए हुए हैं। तो चलिए वन बाय वन करके दोनों हार्ड डिस्क को खोलते हैं और वहाँ पे 4K जो वीडियो रखा है उसको प्ले करते हैं। ये देखिए 4K रिलैक्सिंग वीडियो, एक ये है और ये एक दूसरा है। तो चलिए हम पहले वाले को प्ले करते हैं। एक बार इसके ऑप्शन में जाके देखते हैं कि इसका रिजोल्यूशन कितना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4096x2160, तो ये हमारा 4K वीडियो। इसे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। ये देखिए बैकवर्ड काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे सारे फंक्शन इसके अंदर जो है आ रहा है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रहा है, ना प्ले करने में, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड करने में, और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है सही तरीके से ये प्ले हो रहा है, साउंड अप एंड डाउन सारी चीजें हो रही है। तो ये एक वीडियो हो गया। दूसरा वीडियो हमारे पास ये है, इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए ये भी लोड हो रहा है, ये भी 4K वीडियो है हमारा, इसको फॉरवर्ड करके देखते हैं, ये देखिए फॉरवर्ड हो रहा है। बैकवर्ड करके देखते हैं, ये देखिए बैकवर्ड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपका ये फॉरवर्ड बैकवर्ड प्ले का जो है बटन वो आ गया है, यहाँ पे आप एक्शन देख सकते हैं, ये देखिए। और ये फिर मैंने प्ले कर दिया है, सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। पहले ये पहले हार्ड डिस्क का है, टोशिबा हार्ड डिस्क का है जो कि मेरा 1 टेराबाइट का है, इसके अंदर का 4K हो गया। अब ये 2 टेराबाइट माई पासपोर्ट है जिसमें एकदम फ्रेश ये हार्ड डिस्क मैंने परचेज किया था 2 टेराबाइट का, और मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया था, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं 3 वीडियोज़ डाल रखे हैं, एक ये और एक ये, तीनों के तीनों वीडियोज़ जो हैं 4K हैं। ये देखिए इसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से प्ले हो रहा है। आके फाइल ऑप्शन में जाइए, ये देखिए 4K वीडियो है ये। बैकवर्ड करते हैं, ये देखिए बैकवर्ड हो रहा है। सो अब ये देखिए प्ले का मेनू टाइमलाइन आ गया हमारे पास। इस पर भी आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी हो रहा है। तो मुझे कहीं से भी कोई भी वीडियो प्ले करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सारे का सारा वीडियो जो है 4K वीडियो है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। आप इसके मैं ऑप्शन में जाके एक बार चेक करते हैं कि इसमें, ये देखिए ये भी 4K वीडियो है हमारा,
ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको तसल्ली हो कि हाँ भाई मैं 4K ही वीडियो प्ले कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं कर रहा हूँ। ये सारे वीडियो मैंने खुद ही रेंडर कर रखे हैं, खुद ही बना रखे हैं। ये देखिए, ये एक और 4K वीडियो है। अब इसके ऑप्शन में जाकर के हम देखते हैं कि ये इसका फाइल इंफॉर्मेशन क्या है। ये देखिए, ये भी हमारा 4K वीडियो है। तो इसको हम फॉरवर्ड करके देखते हैं, ये देखिए हमारा फॉरवर्ड हो रहा है। बैकवर्ड करके देखते हैं, बैकवर्ड हो रहा है। और फिर इसे हमने प्ले कर दिया, और यहाँ पे देखिए ये फॉरवर्ड करते हैं। तो फॉरवर्ड 1x कीजिए, 2x कीजिए, सारा काम कर रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है करने में। सो एवरीथिंग इज ओके। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपली जो है हार्ड डिस्क को इस टीवी के USB पोर्ट से, किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर दिया रेंडमली, और मेरा सारे का सारा 4K वीडियो प्ले हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखा दिया। हार्ड डिस्क अभी के अभी दोनों जो है वो कनेक्टेड है, वो भी मैंने दिखा दिया कि दो दो हार्ड डिस्क मैंने कनेक्ट कर रखे हैं, एक 1 TB का, एक 2 TB का। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक बार टीवी के सेटिंग में जाके देखते हैं कि मैंने क्या क्या सेटिंग कर रखी है, जिससे मेरा सारा चीज़ ऑटोमेटिकली पॉपअप हो रहा है और सारी चीज़ें मेरे टीवी पे प्ले हो रही है। तो मैं यहाँ सेटअप में जाता हूँ। सेटअप में देखिए, यहाँ पे एक USB ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। मेरा ऑलवेज ये ऑन रहता है। तो मे बी आप अपने टीवी में सेटिंग चेक करें कि ये जो आपका USB ऑटो स्टार्ट है कि नहीं है, वो ऑफ है, तो उसे ऑन कर दीजिए। एंड देन ट्राई टू कनेक्ट एक्सटर्नल मीडिया, चाहे आपका पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, जो भी हो। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से मुझे नहीं हो रहा है। और इसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई और सेटिंग्स है जो आपको चेक करनी है या समझनी है। तो होप सो दोस्तों कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। मैंने आपको दो दो हार्ड डिस्क कनेक्ट करके दिखा दिया, उनके जो डाटा थे, उनके जो 4K वीडियोस थे वो प्ले करके आपको बता दिए। इस टीवी के अंदर, सोनी X70G TV के अंदर ऐसा कोई इशू मुझे नहीं मिला है। पेन ड्राइव भी मेरा सही तरीके से काम कर रहा है, उसके अंदर जो मीडिया है, फाइल है, वो भी सही तरीके से खुल रहा है। सो प्लीज़ ट्राई एट योर एंड। आप एक्सटेंशन केबल के थ्रू भी मैंने कनेक्ट करके आपको बता दिया कि मेरा एक जो है अभी एक हार्ड डिस्क जो है एक्सटेंशन केबल के थ्रू कनेक्टेड है, और एक डायरेक्टली जो है इस टीवी के साथ कनेक्टेड है। तो कहीं भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, चाहे मैं डायरेक्टली कनेक्ट करूं या एक्सटेंशन केबल का यूज़ करके करूं, कैसे भी करूं, सारा चीज़ प्रॉपरली माउंट हो रहा है इस टीवी के अंदर, और सारी चीज़ें प्रॉपरली प्ले हो रही, चाहे वो 4K वीडियो हो या 720p का वीडियो हो या फुल HD वीडियो हो। सो प्लीज़ ट्राई एट योर एंड और लेट मी नो कि आपका सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।